नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं ऑप्शन के ऊपर, स्पेशली स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, अगर आप फ्यूचर में काम नहीं कर पाते तो आप स्टॉक का ऑप्शन में भी काम करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल अभी आपका सामने में बजाज ऑटो का 9900 का कॉल का चार्ट लगाया हूं और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर से, आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेगा, तो रैली अक्सर हम लोग हाथ से छूट जाता है। और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का लर्निंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और ये जो कैंडल है, कैंडल को ध्यान से देखिए, इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा ब्लू टाइप का है। ब्लू कैंडल बनने का मतलब ये है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और ब्लू कैंडल खत्म होने से आपको नेक्स्ट कैंडल पे सिग्नल बनते हुए दिखेगा। अंदर ब्लैक है मतलब ये एक बुलिश कैंडल है, अंदर ब्लैक होने का मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। तो देखिए ये कैंडल धीरे धीरे ऊपर लेके गया और फाइनली कैंडल जैसे खत्म हुआ नेक्स्ट कैंडल पे आपका बाय का कॉल दिख गया। ये जो ग्रीन कलर का एयरवे आपका सिग्नल है, देखिए राइट साइड में लिखा है बाय 209.55। तो कॉल जैसे ही बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा और एक बार हम लोग का सॉफ्टवेयर में सिग्नल बन गया तो वो एक सिग्नल फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं जो सिग्नल बाद में रिपेंड हो जाता है, यहां पर कोई भी चीज रिपेंड नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है जो सिग्नल तो मुझे मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल का पहले जो ब्लू कैंडल बनता है तो यहां पर आपको काफी टाइम मिल जाएगा एक प्रिपरेशन लेने के लिए और जैसे ये एरो बनेगा कॉल कंफर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये जो कॉल तो कंफर्म हो गया, कॉल आ चुका है, अभी कॉल कितना जेन्युइन है, इसमें ट्रेड करे या ना करे। देखिए बहुत सारा कॉल बनता है हर रोज, हर एक कॉल अचीव नहीं होता है। एंट्री लेने के पहले एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है बाइंग का टाइम, नीचे का जो पट्टी है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। अगर पट्टी ग्रीन हो चुका है इसका मतलब है बाइंग ट्रेंड ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। बाय का कॉल का पहले हमेशा एक ग्रीन स्टार बनेगा जो ये ब्लू कैंडल का नीचे दिख रहा है और नीचे वाला जो इंडिकेटर है जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं कि कैंडल जैसा देखने में है बट एक्चुअली ये कैंडल है नहीं, इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। इसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये वाइड लाइन को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। अगर तीन पैरामीटर एक साथ मैच है तभी जाके आप किसी कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदर इज नॉट। तो लॉजिकली यहां पर कंडीशन मैच है तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूँ। सपोज आप यहां पर एंट्री लिए हैं 209 पे एंट्री लिए, सपोज आप 210 में एंट्री ले लिए, 210 पे एंट्री लेने के बाद मेरा टारगेट क्या होगा। देखिए मैं बहुत टाइम बताया हूँ जो मार्केट में टारगेट बोल के कोई लेवल नहीं होता है, कोई चीज नहीं होता है, मेन चीज होता है मार्केट का एग्जिट को समझना, आप निकल कहां पर रहेंगे। तो देखिए मैं 210 में एंट्री लिया हूं, अभी 280 चल रहा है, 290, 310, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मुझे पोजिशन को छोड़ना कब है, उसके लिए आपको नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है इसी को फॉलो करना पड़ेगा। नीचे वाला ब्रिक्स इंडिकेटर कैंडल का सेंटिमेंट बताता है, जब तक इसका कलर ग्रीन है आपका पोजीशन सिक्योर है, भले मार्केट कितना भी प्रॉफिट क्यों ना जाए। अगर मार्केट में रैली है आप छोटा पॉइंट लेके मत निकलिए, उस पूरा रैली को कैप्चर करने का कोशिश कीजिए। तो जब तक देखिए ग्रीन कलर का ब्रिक्स है आपका पोजीशन सिक्योर है। जैसे यहां पर पहले आपको एक ब्लू कलर का ब्रिक्स दिखाई दिया, ब्लू का मतलब ही होता है रिवर्सल का संकेत। तो यहां पर पहला मतलब फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिला है इस कैंडल पे 10 बजे सुबह को एंट्री मिला था, लगभग 45 मिनट बाद मुझे फर्स्ट एक इंडिकेशन मिला जो नीचे का जो ब्रिक्स है वो ब्लू हुआ है, मतलब यहां से रिवर्सल हो सकता है। पर दूसरा जो ब्रिक्स बन रहा है वो दोबारा ग्रीन हो गया, तीसरा भी नहीं ग्रीन हो गया, तो ऐसा हो ही सकता है ब्लू के बाद ग्रीन बनना शुरू कर दिया, मतलब दोबारा ही रिवर्सल हो सकता है। फाइनली देखिए यहां पर दोबारा ब्लू बन रहा है नीचे का जो ब्रिक्स है, कभी कभी कभार वो ब्लू भी हो रहा है, कभी रेड भी हो रहा है, तो ये चेंजेस आपको यहां पर नोटिस करना पड़ेगा। फाइनली देखिए ये जो दोनों लाइन क्रॉसओवर हो रहा है तो ये भी एक संकेत है निकालने का। तो मैं अगर 210 में एंट्री लिया हूं, 325 अभी ये दोनों लाइन क्रॉसओवर हो रहा है, तो अब एक ट्रेडर यहां पर निकल भी सकता है। अगर आपको लग रहा है जो मैं ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेनिफिट बना लिया हूं
और मुझे रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। नीचे का जो ब्रिक्स है देखिए अभी थोड़ा सा रेड हुआ, बट फुल्ली ये अभी भी आपको एग्जिट नहीं करा है। सॉफ्टवेयर का मेन कंसेप्ट यही है, जब तक ये ब्रिक्स का सॉरी जब तक ये वाइड लाइन का नीचे नहीं आता है तब तक आप अपना पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 10:35 का टाइमिंग हो गया, अभी भी देखिए जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है वो वाइड का ऊपर मूवमेंट कर रही है। जो वाइड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, अगर वाइड लाइन का ऊपर ब्रिक्स का मूवमेंट है इसका मतलब है अभी भी आपका पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर वाइड को तोड़ के नीचे मूवमेंट करना ना शुरू करे तब तक आप पोजीशन पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी लाइव में आ गया हूं, अभी 10:50 का टाइमिंग हो रहा है और ये आपका एलटीपी चल रहा है। सबसे पहला ये जो दोनों लाइन क्रॉस ओवर होकर पिंक हुआ है तो ये एक संकेत है, बट फाइनली एक ट्रेडर कब तक वेट करेगा, जब तक ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे ना आ जाए। तो अभी भी मार्केट में जो सिचुएशन है बाइंग का सिचुएशन है, नीचे का रिबाउंड ग्रीन है, ईच एंड एवरीथिंग बाइंग का पोजीशन है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है नॉट ओनली फॉर फ्यूचर मार्केट, आप इसमें ऑप्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन किसी में भी काम कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का सबसे जो प्लस पॉइंट है हम लोग का एग्जिट पॉइंट, हर एक ट्रेडर एंट्री तो कहीं ना कहीं ले लेता है बट वो सही जगह पे छोड़ नहीं पाता है। तो एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एग्जिट को प्रोमिनेंट बना लिए तभी जाके आप अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। तो जैसे देखिए 210 से लेके अभी 335 चल रहा है, ऑलरेडी एक संकेत मिला है ये क्रॉस ओवर होने का, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज किया है मार्केट को, बट अभी भी जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये व्हाइट का ऊपर मूव कर रहा है। व्हाइट का ऊपर मूवमेंट होने का मतलब है अभी भी जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बाइंग का तरफ है। आप अगर चाहते हैं रिस्क लेना तो यहाँ पर ले सकते। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है अकाउंट करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू जानना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।